आइलैंड पर शाम ढलते ही लड़का देखता है कि सारे नेवले दौड़कर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उसका टाइगर भी दौड़कर बोट के अंदर चला जाता है, लेकिन लड़के को तो कुछ भी नहीं समझ आता है। फिर वो नेवलों को साइड में करके सो जाता है। तभी वहाँ पर रात हो जाती है और वो लड़का नीचे देखता है जिस पानी को वो सुबह आराम से पी रहा था, रात को उसी पानी के अंदर सारी मछलियाँ घुलकर मर गई थी। फिर वो एक फूल को तोड़कर उसे देखता है तो उसके अंदर एक इंसानी दांत मिलता है। फिर लड़के को समझ आता है कि ये तो एक आदमखोर आइलैंड पर आ गया है। लड़का अगले दिन उठकर भर भरकर समुद्री घास अपनी बोट के अंदर रख लेता है और अपने टाइगर के लिए भी बहुत सारे नेवले रख लेता है। फिर वो अपने टाइगर को बुलाकर जल्दी से उस आदमखोर आइलैंड को छोड़ देता है, जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं लड़का सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया है, लेकिन अब उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसका टाइगर बाहर निकल के आता है और वो लड़खड़ाते हुए कदमों से जंगल की ओर जाने लगता है। लड़का उसकी तरफ देखता है कि टाइगर जंगल में जाने से पहले एक बार उसकी तरफ मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन टाइगर जंगल के पास जाकर रुका है और बिना उसे देखे जंगल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और लड़के को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन लड़का जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसके टाइगर ने उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा।